जितने सांस्कृतिक केंद्र हैं वो सब पुनर्स्थापित होकर के हमारी संस्कृति के उत्थान के लिए काम करूंगा। संघ राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत व्यक्तियों का एक समूह है और वह निरंतर ऐसे व्यक्तियों को अन्य संगठनों के माध्यम से जोड़ के रखता है। उनके बीच में मैं सदैव स्वयं खड़ा हुआ दिखूंगा, उनको मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं होगी। किसनपोल विधानसभा क्षेत्र से चंद्रमोहन बटवाड़ा जी हमारे साथ हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको किसनपोल बाजार से विधानसभा से आपको उम्मीदवार उतारा गया है। आप क्या कहेंगे विधानसभा क्षेत्रवासियों को? मैं अपने विधानसभा क्षेत्रवासियों को पार्टी की ओर से जो विश्वास व्यक्त किया गया मेरे में, और मैं उनको आश्वासन देता हूँ कि मैं पार्टी के विश्वास पर खरा उतरूंगा। मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य किए जा रहे हैं देश की आंतरिक सुरक्षा बाह्य सुरक्षा दोनों के लिए विशेष रूप से अभियान है, और भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान, जो सांस्कृतिक केंद्र हैं हमारे, उन सांस्कृतिक केंद्रों का पुनरुत्थान करेंगे। जयपुर शहर एक छोटी काशी के रूप में माना जाता है, तो इसके जितने सांस्कृतिक केंद्र हैं वो सब पुनर्स्थापित होकर के हमारी संस्कृति के उत्थान के लिए काम करूँगा। बिल्कुल, अगर देखा जा रहा जिस तरह से इस बार संघ का दबदबा रहा पार्टी के अंदर और संघ की तरफ से आपको दिया गया है, तो ऐसे कौन से काम हैं जो आप करना चाहेंगे किसनपोल विधानसभा में? संघ राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत व्यक्तियों का एक समूह है और वह निरंतर ऐसे व्यक्तियों को अन्य संगठनों के माध्यम से जोड़ के रखता है। सभी संगठन अभी मिलकर के इस बात पर आमादा है कि यह हमारा जो आंतरिक सुरक्षा है पूरे विश्व पटल पर जयपुर की एक छाप है जो गुलाबी नगरी में पहचाना जा रहा है। गुलाबी नगरी की पहचान के साथ साथ में उसका सांस्कृतिक विरासत जो है उसकी पहचान बनी है, उसकी सभी चीज़ों की सुरक्षा देना, और विशेष रूप से जो हमारे कमज़ोर तबके का व्यक्ति है जिसके कारण से पलायन हो रहा है, इधर उधर लोग डर के भाग रहे हैं, उनको एक सशक्त रूप में शासन स्थापित करना, उनकी व्यवस्थाओं को बताना कि वो डरे नहीं और सब अपने स्थान पर सब मिलकर जुल करके रहें, कोई परेशानी किसी को आने वाली नहीं है। जिस तरह से आप पलायन की बात कर रहे हैं, कुछ नेता हैं इस विधानसभा में वो नाराज चल रहे हैं, उनसे क्या आपकी बातचीत हुई है आपके साथ आने के लिए? कौन सी पार्टी के नेता नाराज हैं? बीजेपी के कुछ नेता नाराज की भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है। चुनाव के लिए हर एक व्यक्ति जो जो प्रयास करना चाहते हैं वो पार्टी को कहते हैं और वो इसमें प्रयास में लगते भी हैं। पार्टी को किसी एक व्यक्ति को चयनित करना होता है, वो समय की आवश्यकता के अनुसार चयनित करती है और उसके हिसाब से जिसे प्रत्याशी बनाया, बाकी सब स्वाभाविक बात है। थोड़ा मन को कमजोरी लगती है कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई परीक्षा दो, उस परीक्षा में यदि एक व्यक्ति का चयन हो तो बाकी सबको थोड़ी सी निराशा होती है, लेकिन सब एक साथ लग करके और हमेशा हर चुनाव में ऐसा ही एक साथ लग करके खड़े होते हैं और पूरी पार्टी आपको एक समूह में दिखाई देगी। बिल्कुल, हिंदू की बात करें, जिस तरह से पलायन हो रहे थे यहाँ के क्षेत्र से, उनको किस तरह साधेंगे और आपकी कौन से ऐसे अहम होंगे जो चुनाव जीतने के बाद उसको जनता के बीच में लेके जाएंगे? उनके बीच में मैं सदैव स्वयं खड़ा हुआ दिखूंगा, उनको मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं होगी, और वही उनकी शक्ति है, क्योंकि जो राजनीतिक शक्ति और प्रशासनिक शक्ति जो उसके साथ मिलकर के काम करती है, तो उनके मन में स्वाभाविक रूप से एक संबल रहता है और वे पलायनता से अपने आप को रोक लेंगे जाएंगे। बिल्कुल, ये मनोहर सिंह बटवाड़ा थे विधानसभा से, इनको उम्मीदवार की तरफ से भाजपा की तरफ से उतारा गया है। दीपक कुमार शर्मा के साथ हरनाम सिंह, पंजाब केसरी, जयपुर।